नमस्कार भाइयों बात उस समय की है जब मैं इंदौर में था और वहाँ पर व्यक्तित्व विकास और अंग्रेजी में वार्तालाप सीखने के लिए एक संस्थान को ज्वाइन किए था तो वहाँ पर आज ही के दिन 10 जनवरी को मैं संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूँगा उस संस्थान में सभी विद्यार्थियों को एक विषय दिया गया जिस पर सभी को अपने अपने विचार रखने थे तो सभी विद्यार्थियों ने अपने उपलब्ध ज्ञान के आधार पर और इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान के आधार पर इतना कुछ बोला कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा उसके बाद मैंने सोचा कि जब सबने इतना सब बोल दिया है तो मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है अब मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा और वहाँ पर एक और शर्त थी कि आपको केवल अंग्रेजी भाषा में ही अपने विषय पर बोलना है तो उस समय जैसे ही मेरी बारी आई तो सबसे पहले मैं वहाँ पर गया स्टेज पर और मैंने शुरू किया तो जो मैंने शुरू किया उसका जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद था वो कुछ इस प्रकार था क्योंकि मुझे उतने अच्छे से अंग्रेजी आज भी नहीं आती है और उस समय भी नहीं आती थी तो जो मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी थी उसका जो अनुवाद है कुछ इस प्रकार से था कि आज विश्व हिंदी दिवस पर जैसा आप सभी ने बताया और सभी ने जो जो भी अपना ज्ञान साझा किया और उसके प्रचार प्रसार की बात की तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी माँ है और जैसा कि आप सभी ने जितना ज्ञान दिया है वो उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं जानता हूँ और आप सभी ने बहुत ही अच्छे से हिंदी को हिंदी के बारे में ज्ञान दिया है लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर हम हैं अगर आज जब विश्व हिंदी दिवस हमारी माँ का ही दिवस है और हमारी माँ हिंदी के ही बारे में हमें जब अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य किया जाए तो इससे बड़ा हिंदी का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है उस समय सभी बच्चों जो भी विद्यार्थी थे हमारे सहपाठी थे सभी मौन हो गए और किसी की कोई प्रतिक्रिया ज़्यादातर तो नहीं मिली लेकिन फिर भी सभी ने तालियों से स्वागत किया और उसी दिन के बाद मैंने अगले दिन से ही उस संस्थान में जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरी मातृभाषा का अपमान है तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए या फिर अन्य भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए आप जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे ये आपकी विद्वता है कि आप कितनी भी भाषाएं सीख है सकते हैं लेकिन आपके बड़प्पन का अर्थ यही होता है कि आपकी मातृभाषा सबसे अच्छी हो आपको हमेशा प्रिय हो और जब आपकी मातृभाषा का ही दिन है और वो भी वैश्विक दिन है उस दिन भी अगर अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य किया जाए तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है क्योंकि अगर ऑप्शनल रखा जाता कि जो अंग्रेज़ी में बोल सकता है तो अंग्रेजी में बोले और हिंदी में बोल सकता है तो हिंदी में बोले तो इसमें ज़्यादा आपत्ति मुझे नहीं थी लेकिन जैसे ही केवल इंग्लिश में बोलने के लिए बात किया तो फिर उस समय मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैंने यही बात बोली कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदी के लिए नहीं हो सकता है तो इसी प्रकार मैं अपने सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा एवं अन्य मातृभाषाओं वाले जो अपनी मातृभाषा है अगर आप अपनी भाषा के लोगों से मिलें तो कोशिश ये करें कि अपनी ही भाषा में प्रयोग हो, जैसे अगर हिंदी है हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी वाले अपने भाइयों से मिलें तो कोशिश ये करें कि जो मुख्य हमारा वार्तालाप हो वो अधिकतर हिंदी भाषा में ही हो इसी से हमारी हिंदी का विकास होगा इसी से हमारी हिंदी का प्रचार होगा प्रसार होगा और अंग्रेजी, नकार अंग्रेजी को नकारें नहीं अंग्रेज़ी को केवल संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करें क्योंकि अंग्रेज़ी भी जरूरी है लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी को ही भूल जाएं केवल संपर्क भाषा जो व्यक्ति आपकी हिंदी नहीं जानता है उसके साथ आप अंग्रेज़ी में वार्तालाप करें उस व्यक्ति के साथ हिंदी में बोलना ज़्यादा सहज होगा जो हिंदी अच्छे से जानता है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं और बुरी लगी हो तो भी ज़रूर बताएं आप सभी को मेरे विचारों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं वीरेंद्र पटेल आपसे विदा लेता हूँ